एक व्यापारी के पिंजरे में एक बहुत बढ़िया तोता था। वो बहुत अच्छा वक्ता था, तोता बोलता बहुत बढ़िया था। इतना ही नहीं, तोता बहुत किसी अपने गुरु के सान्निध्य में रहा था, जो कि बहुत अच्छा पढ़ा लिखा तोता था, उसको लोग बहुत अच्छा ट्रेंड किए हुए थे। लेकिन वो एक व्यापारी के पिंजरे में था और व्यापारी के साथ उसका वार्तालाप चलते रहता था। व्यापारी का बात वो जरूर मानता था। जहाँ भी जब भी व्यापारी अपने घर से बाहर जाता था, व्यापारी उस तोते को अपने दरवाजे पर टांग देता था पिंजरे में और सिखा देता था कि यदि कोई आएगा तो ये कह देना कि आज मालिक नहीं है, बाहर गए हैं। उस आदमी को फिर अंदर प्रवेश नहीं मिलता था बाहर वाला, और ये काम हमेशा चलता रहता था। एक बार की बात है कि व्यापारी अपने काम के लिए बगल के गांव में कहीं जा रहा था। वहां जाते वक्त वो बोला अपने तोते से कि आज मैं जा रहा हूं फलाने गांव में, वहां कुछ काम है हमको, तू दरवाजे पर रहना, और दरवाजे पर रहकर यदि कोई आ जाए तो बता देना कि हम यहां हैं नहीं, हम कल आएंगे, कल मिलेंगे आप लोगों से। तोता जब ये बात सुना और उस गांव के बारे में जानकारी तोता को मिला तो तोता बोला कि मालिक आप जा रहे हैं, चलिए आपका यात्रा मंगलमय हो, लेकिन जब जा रहे हैं आप तो एक मेरा छोटा सा काम वहां कर दीजिएगा। व्यापारी बोला कि हाँ बताइए, कौन सा काम आपका करना हो, मैं क्या कर दूं। बोला कि ठीक है, हम बता देते हैं आपको करना क्या है, कि जब वहां जाइएगा तो वहां मुखिया जी के यहाँ चले जाइएगा, गांव में मुखिया जी के दालान पर एक बहुत बड़ा आम का पेड़ है, उस पेड़ के एक खोंडरे में एक वृद्ध तोता मिलेंगे और वो तोता हमारे गुरुदेव हैं, जाकर वो मेरा केवल प्रणाम पहुंचा दीजिए उस तोते को, उस वृद्ध तोता को। व्यापारी को पहले विश्वास नहीं हुआ कि इसको अपना गुरुदेव याद हैं और गुरुदेव को ये प्रणाम भेज रहा है किस माध्यम से, लेकिन फिर भी उसने मुस्कुराकर कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारा प्रणाम पहुंचा दूंगा तुम्हारे गुरुदेव को। तोता को टांग दिया वो अपने दरवाजे पर और व्यापारी चल दिया दूसरे गांव में, वहां अपना सारा काम निपटाया। शाम में उसको लौटते वक्त याद आया कि हमारा तोता बहुत बढ़िया एक बात बोला है, देखते हैं थोड़ा सा ये बात सही है कि नहीं। वो जाता है मुखिया जी के दालान पर, देखता है तो सही में एक वहां पर बहुत बड़ा आम का पेड़ था, उसके खोंडरे में एक जगह वो जब आवाज दिया तो एक वृद्ध तोता निकल कर आया, और वृद्ध तोता निकल कर आया तो वो प्रणाम किया। तोता जैसे ही प्रणाम किया इस व्यापारी को, व्यापारी समझ गया कि बात सही है, जरूर यह गुरुदेव उसका होगा, तभी इतना संस्कार इसमें झलक रहा है। इतना स्थिति जब व्यापारी देखा तो व्यापारी भी उस तोते को प्रणाम किया और बोला कि आपके शिष्य हमारे साथ हैं और वो आपको प्रणाम भेजे हैं। जब वो बोला कि प्रणाम भेजे हैं तो बहुत गदगद हुआ तोता, और वृद्ध तोता जो गुरुदेव थे बहुत खुश हुए कि मेरा शिष्य हमको याद किया है। फिर वो पूछते हैं कि ये बताइए कि हमारा शिष्य करता क्या है, अभी कहाँ है वो, और आपके साथ कैसे है। तो उन्होंने बताया कि वो हमारे साथ हैं, हमारे ही पिंजरे का शोभा बढ़ा रहे हैं, और वाकई वो बहुत संस्कारी हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, आपका दिया हुआ ज्ञान बिल्कुल संजो कर रखे हैं और उसका सदुपयोग करते हैं। वृद्ध तोता ने कहा कि हमारे शिष्य को हमारा आशीर्वाद भेजिएगा, और इतना कहकर वो कुछ सोचने लगा और सोचते ही उसका हार्ट अटैक कर गया, वो मर गया। वृद्ध तोता मर गया, सदमे में व्यापारी पड़ गया कि ये तोता मर क्यों गया अचानक, जब हम बताए कि वो हमारे पिंजरे का शोभा बढ़ा रहा है। सोच में वो पड़ा, इतना दुखी हुआ कि क्या कहने को, लेकिन मन मारकर हार थाक कर फिर अपने घर पर पहुंचता है, आकर कहता है अपने दरवाजे पर आता है तो पहले ही देखता है कि उसका अपना तोता जो पिंजरे में था वो बहुत ही आनंदित वहां पर इंतजार कर रहा था कि हमारा मालिक कब आ रहे हैं।
जब वो आया तो आते ही फिर वो प्रणाम किया और पूछा कि क्या सारा काम सही हुआ, आपका कार्य हो गया? बोला कि हाँ सब काम सही हो गया। हमारे गुरुजी से मिले? हाँ तो बिल्कुल मिले। कैसे हैं हमारे गुरुजी? व्यापारी कुछ बोल नहीं रहा था, व्यापारी कुछ नहीं बोल पा रहा था कि गुरुजी कैसे हैं। जब वो गुरुजी का बात पूछता है तो दो तीन बार पूछने के बाद, तोते के दो तीन बार प्रश्न यही दोहराने के बाद व्यापारी कहता है कि आपके जो गुरुजी हैं वो आपको बहुत याद किए, आपको बहुत आशीर्वाद भेजे, लेकिन आपके गुरुजी को जब हम ये बात बताए कि वो आप हमारे पिंजरे का शोभा बढ़ा रहे हैं और आप हमारे यहाँ हैं, तो गुरुजी ने आपको आशीर्वाद दिया और वहीं पर वो दम तोड़ दिए, वो मर गए। यह जो शिष्य तोता था ये बात सुनता है, बहुत दुखी होता है और एक बार फिर अपने मालिक को और अपने गुरु को दोनों को प्रणाम करता है और ये भी तोता वहीं पर दम तोड़ देता है। गुरु तो मरा ही, शिष्य भी मर गया, अब दोगुना सदमे में व्यापारी था कि ये दोनों थे कौन, कैसी ये आत्माएं थी जो कि बात सुनते ही मर गई। और पहले तो ये इतना अच्छे पंडित थे, पांडित्य था, ये पढ़े लिखे तोते थे और अंत में इनको कैसी परेशानियां हुई। जब ये ऐसी स्थिति बनी तो वो सदमे में बैठ के रो रहा था व्यापारी। वो कह रहा था कि आप कौन आत्माएं थी, कौन विभूषण आप थे लेकिन जो हमारे साथ रहे और हम पहचान नहीं पाए। वो रो रहा था तभी शिष्य तोता की आत्मा प्रकट हुई और बोली, वो आत्मा प्रकट होकर आत्मा बोला कि मालिक आप रोइए नहीं, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, हम लोगों का इतना ही दिन का साथ रखा हुआ था, हम लोग बिल्कुल चले गए। व्यापारी बोला कि हमको इससे दुख नहीं है कि आप चले गए, हमको ये बताइए कि आपके गुरुजी ने यह शब्द सुनकर क्यों प्राण त्याग दिया और आप गुरुजी का संदेश लेकर क्यों प्राण त्याग दिए। जवाब में वो शिष्य तोता की का आत्मा बोलता है कि गुरुजी अब तक थ्योरी पढ़ा रहे थे कि आजादी स्वच्छंद होना चाहिए, हम लोगों को पढ़ाते रहे जीवन भर पढ़ाते रहे, लेकिन जब लास्ट में रिजल्ट ये उनको सुनाई दिया कि इतना पढ़ाने के बावजूद हमारा शिष्य जो है वो पिंजरे में बंद है, तो उन्होंने अब थ्योरी पढ़ाना छोड़कर प्रैक्टिकल दिखाया, मर कर दिखा दिया कि यदि आजादी चाहिए तो मरने की कला आनी चाहिए। गुरुजी ने थ्योरी छोड़कर अब प्रैक्टिकल पढ़ाया था तो इसलिए वो प्रैक्टिकल पढ़ाने में गुरुजी का प्राण निकल गया। उन्होंने कहा फिर व्यापारी ने कि तो आपका प्राण कैसे निकल गया? तो वो बोले कि जब गुरुजी का अगर थ्योरी से हमको समझ में नहीं आया तो प्रैक्टिकल अगर नहीं समझ पाते तो गुरुजी का शिक्षा का अपमान था, इसलिए हम भी अपना आपके पिंजरे से तो निकल नहीं सकते थे, इसलिए हम प्राण त्याग दिए ताकि हम सदा सदा के लिए आजाद हो जाएं। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि घूट घूट कर जीना हो उससे बेहतर है कि मरने की कला आनी चाहिए। मतलब यह है कि यदि रिजल्ट पर आपको घुटन होती हो, बार बार रिजल्ट के लिए पछतावा होता हो, तो एक बार जोशो खरोश के साथ अपनी पूरी ताकत लगा कर देखनी चाहिए, आपको अपना तन मन धन न्यौछावर करके देखना चाहिए रिजल्ट के लिए, एक बार एनर्जी लगाइए, क्योंकि थ्योरी तो हमेशा आपको मोटिवेट करती है, प्रैक्टिकली आपको एनर्जी लगाने की जरूरत है और इसके बाद रिजल्ट पर दावा ठोकने की जरूरत है। आपको मैं इस कहानी के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, जब भी रिजल्ट की बात कभी दिमाग में आए,
कभी भी नेगेटिविटी सताए तो इतना याद रखिएगा कि जोर लगाने की जरूरत है। एक पत्थर था जो चोट खा के कंकर कंकर हो गया, वो पत्थर ही है जो बैजू का चोट सहकर शंकर हो गया। आप चोट सहें, आप परिस्थितियों को भापें, आप अपने आप को और एनर्जेटिक बनावें। मैं आप सभी के लिए शुभकामना देता हूँ, आप सभी को आशीर्वाद देता हूँ। आप सभी जहाँ रहें, अपने जहाँ जहाँ हों वहाँ वहाँ अपनी क्षमता का सदुपयोग करें, अपना बेस्ट एफर्ट अपने पढ़ाई में लगावें। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद। इसी सेट के साथ हम कल मिलेंगे। थोड़ा कंप्यूटर प्रॉब्लम था आज, अभी भी कुछ प्रॉब्लम है, बीच में डिस्टर्ब हो जाएगा इसलिए क्लास नहीं ले पा रहे हैं। आप सभी को मैं इसी सेट के साथ कल मिलेंगे। अंकित कुमार कह रहे हैं इट्स अमेजिंग स्टोरी सर जी, थैंक यू। आलोक कुमार कह रहे हैं सॉरी सर आज लेट लाइव है। जी नहीं, लेट नहीं, हम टाइम पर हैं। हम अपने यहाँ पर खड़े थे लेकिन कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो पाया। सर एक बार वो वाला बोल दीजिए, दूसरों की कामयाबी लगती है आसान पर किसी को आसानी मिल से मिलती नहीं। राकेश झा लिख रहे हैं, बिल्कुल हम बोले हैं कि यूँ रोने से तकदीर बदलती नहीं है, वक्त से पहले रात गुजरती नहीं है, किसी की भी कामयाबी लगती है आसान पर किसी को भी आसानी से मिलती नहीं है। मिल जाती गर इत्तेफाक से तो सच है पचती नहीं है, क्योंकि कामयाबी पाना है पानी में आग लगाना, सच है पानी में आग आसानी से लगती नहीं है। तो यदि काम पानी में आग लगाना हो तो आपके पास टेक्नोलॉजी चाहिए। वो टेक्नोलॉजी कौन है? पेट्रोलियम, आपके हीमोग्लोबिन का पसीजा हुआ पानी। और वो पेट्रोलियम आपका पसीना है, उस पेट्रोलियम को आजमा कर देखिए, जरूर पानी में आग लगेगी। पानी में आग लगाना हो तो हसीन स्वप्न देखें। ऐसा स्वप्न देखिए कि आप रिवॉल्विंग चेयर पर बैठे हैं, आपका असिस्टेंट आपके अगल बगल है, आप सारा का सारा स्थिति एंजॉय कर रहे हैं। और यदि सपना आप देखिएगा, सपना के लिए आप यदि खुले आंखों से देखने लगे तो निश्चित रूप से सपने के लिए आप जगना शुरू कर दीजिएगा, आप उसके लिए मेहनत करना चालू कर दीजिएगा। एट लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जस्ट आई वांट टू मेंशन हियर दैट बी पॉजिटिव, यूज योर फुल स्ट्रेंथ कैलिबर फॉर योर बेस्ट एफर्ट फॉर योर बेस्ट रिजल्ट।